मिशन के द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये रमेश फाउंडेशन गत 5 वर्षों से समाज सेवा का कार्य दे रहा है और ग्वालियर में भी ये संस्था अपना कार्य कर रही है और इसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है के संबंध में और मुख्य कार्यक्रम के संयोजक मनोज भाई आपके सामने आज आपसे कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे जो कि सामाजिक समरसता के संबंध में होंगे। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और परमात्मा की एक धरोहर के रूप में उसको यहाँ भेजा गया है और हम लोगों के समाज में रहकर के क्या दायित्व बनते हैं, क्या निर्वहन करना है, इन सभी के बारे में थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करके आपको मनोज भाई बताएंगे। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, पूरा तेज बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज हम लोग मेरे घर से दुख तो सब जानते हैं कि नहीं जानते, दुख जानते हैं सब, कोई बताएगा क्या होता है तो? लोग बात जो है कहते हैं बुढ़ापे में करना है लेकिन ऐसा होता नहीं है।
जो पूरी जिंदगी नहीं करता उससे बुढ़ापे में भी नहीं होता है, है कि नहीं? भगवान के ऊपर फूल जो चढ़ाए जाते हैं, कब चढ़ाते हैं? ताजी फूल लाके चढ़ाते हो कि बासे? ताजी। शाम को क्या, जो बासे होते हो क्या करते हो? और भगवान को अपने आप को कैसे चढ़ाते हो? जब बूढ़े हो गए है ना, तब वो घंटा लेके वो शुरू करते हैं, और तब भगवान अब क्या करेगा मेरे पास, अब तो बात योगे जाने वाला है भाई, तू साइड में रह, है ना। ताजी फूल चढ़ाते हैं, तुम जो लोग शुरुआत से हैं उनको शुरू से ही करना है, ठीक है? नहीं कर पाए अब तक, अब हम लोग सोच सकते हैं ना, अब तक नहीं कर पाए तो अब एक मौका मिला है उनको आगे बढ़ने का इस मार्ग पर, तो हमको उसके ऊपर जाना है, लेकिन क्या क्या करना है वो मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो एक चीज तो क्लियर होगी कि दुख सबको है कि नहीं? दुख और दर्द, इसमें किसी को फर्क पता है? दुख क्या है और दर्द क्या है? कहते हैं बॉडी में शरीर का है ये दुख है, दुख है कि दर्द है? दर्द बताओ, ये दर्द है, उसको दुख मान लेते हैं, है? दुख और दर्द में फर्क है, ये दुख नहीं है, जो शरीर से प्रॉब्लम है ये सब दर्द है ना, और हम इसको क्या मान लेते हैं? दुख। तो फिर दुख है क्या? फिर क्या है दुख है? जब ये दर्द है तो फिर दुख क्या है कोई तो बताएगा है? दुख पता है? नहीं पता है, इसका मतलब किसी को सब बोले थे कि हमें तो दुख है, हमें तो सबको तो दर्द है, दुख तो किसी को नहीं है, है? कि है किसी को दुख? नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है, वही बता रहा हूँ मैं। दुख कैसा होता है, उत्पन्न कैसा होता है पता है? मानसिक दुख होता है, इच्छाओं से दुख होता है, इच्छाओं से हम लोग क्या करते हैं? इच्छाएं करते हैं, करते ही नहीं करते, ये काम हो जाए हमारा, ये हो जाए, पूरा प्लानिंग करते हैं पूरी जिंदगी की, और इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो दुख बन जाता है वो, है कि नहीं? इच्छाएं पूरी नहीं हो तो दुख बन जाता है। अब दर्द और या दुख वो जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। दर्द जरूरी है कि नहीं? कि नहीं है जरूरी बताओ? जरूरी है, जरूरी है। नहीं, वो पहले भी मैं दुख की बात नहीं कह रहा हूँ, दर्द की कह रहा हूँ। दर्द जरूरी है कि नहीं जरूरी बताओ, किसी को पता है कि दर्द जरूरी है कि नहीं? दर्द जरूरी है, दर्द क्यों जरूरी है उसको बताता हूँ, क्यों जरूरी है। मान लो आपका पेट खराब है ना, आप दवा किसकी करोगे? अगर दर्द होगा पेट में तो आप पेट की दवा करोगे, है कि नहीं? ये तो किसकी दवा करोगे आप? जहाँ पे दर्द है उसकी दवा करते हैं। अब दर्द ही नहीं पता लग रहा है कहाँ पे है, तो आप दवा किस चीज की करोगे आप, है कि नहीं? तो दर्द से ये पता लगता है कहाँ पे है, अगर दर्द ही नहीं हो तो अंदर शरीर सड़ता रहेगा, पता ही नहीं लगेगा आपको क्या हो गया, दर्द ही ना हो तो। अरे इसीलिए दर्द जरूरी है, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां दर्द होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि दर्द कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही दुख भी जरूरी है, दुख भी जरूरी है, अगर दुख नहीं होगा तो आप दुख नहीं होगा तो भगवान को याद नहीं करेंगे, तो दुख भी जरूरी है, इसलिए दुख भी जरूरी है और दर्द भी जरूरी है। अब धीरे धीरे इस पर और आगे जाएंगे, ठीक है? अब हम लोग दुख और दर्द में एक तो अंतर पता लग गया, ये मन का है, दुख क्या है केवल मन का है, इच्छाओं का है। अब आप इच्छाएं खत्म कर सकते हो, कोई ऐसा है जो अपनी इच्छाएं खत्म कर सकता है? है? बोलो। मार सकते, इन्होंने बोला कि अगर हम मन को काबू में कर लेंगे तो इच्छाओं को मार सकते हैं, समझे ना? मन काबू में होगा है?
से कैसे करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया। योग लगा के ध्यान लगा के ये बहुत सारा बता रहे हैं कि योग लगा कर सकते हैं मन पे कंट्रोल करने के लिए, समझे ना। अब योग भी कई तरह के हो जाते हैं, योग में भी बहुत तरह के, पंडित जी को तो पता होगा योग में बहुत तरह के हो जाते हैं, है ना। ज्ञान योग हो गया, धर्म ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है, चार योग हो गए हमारे काम में। अब कौन सा योग करें, अब वहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो मन को अगर कंट्रोल करना है, काबू करना, तो ये बहुत मुश्किल वाला काम हो गया है कलयुग में, है कि नहीं। सबको चाहिए क्या, सबको ये चाहिए कि ना दुख हो ना दर्द हो, ये चाहिए ना। तो पहले क्या, अभी कहीं भी आप जाते हो, किसी डॉक्टर के पास जाते हो, नहीं जाते, अभी कोई प्रॉब्लम डॉक्टर के पास तो गया है,